नमस्कार दोस्तों, डीके थ्यूडियम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी आपके लिए इस चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आज जो है काफी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान आपके लिए लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो हाउसेज दिख रहे हैं, मतलब ये तीन हाउसेज दिख रहे हैं और सेम प्लानिंग इसका किया गया है। ये रो हाउसेज जो है कितने एरिया में बैठे हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और इन तीनों रो हाउस में से एक रो हाउस कितने एरिया में बैठता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और एक रो हाउस का पूरा जो है डिटेल हम आज के वीडियो में देखने वाले है, और इसका पूरा का पूरा जो है प्लानिंग किस टाइप में किया गया है, ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का पूरा डिटेल जो है 3D में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको आपके प्लॉट के लिए बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है काफी कम एरिया में किया गया है, मतलब छोटे प्लॉट पर किया गया है, और छोटे प्लॉट पर किस टाइप में प्लानिंग करना चाहिए, छोटे प्लॉट पर किस टाइप में पूरा प्लानिंग कर सकते हैं, किस टाइप में पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हमको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है मॉडल है, और ये पूरे तीनों जो रो हाउसेस है वो लगभग 56 फीट बाय 33 फीट में बिठाया गया है, मतलब 56 फीट बाय 33 फीट में, मतलब काफी कम एरिया में पूरे जो है ये रो हाउसेस जो है एडजस्ट किए गए हैं। लेकिन इन रो हाउस में से एक रो हाउस भी आप खुद के लिए बना सकते हैं, वो किस टाइप में बना सकते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं ये फ्रंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए एरिया मिलता है हमको, पूरा जो है डिटेल डायमेंशन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको एक डोर नजर आता है, और उसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पार्किंग है, लगभग सेम प्लानिंग किया गया है। तो पूरा जो है डुप्लेक्स हाउस है। तो चलिए इसका प्लानिंग जो है किस टाइप में किया गया था वो भी एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा एक रो हाउस जो है 19 फीट बाय 33 फीट में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 19 फीट बाय 33 फीट में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा प्लॉट साइज है, आप देख सकते हैं 19 फीट जो है इसका विड्थ है और 33 फीट मतलब 33 फीट जो इसका लेंथ है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है प्लिंथ एरिया रहेगा, जिसमें से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कार पार्किंग का एरिया रहेगा जो प्लिंथ से थोड़ा सा नीचे रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप बनाए गए हैं और इस साइड में भी ये स्टेप बनाए गए हैं, और उसके बाद में इस टाइप में आप देख सकते हैं ये जो है हमारे वॉल्स खड़े रहेंगे, और यहाँ पर जो है मेन एंट्री होगी हमारी, यहाँ पर हमारा जो है बीच में जो है हॉल कम डाइनिंग रहेगा, मतलब लिविंग कम डाइनिंग रहेगा यहाँ पर। इसके साइजेस और डायमेंशन भी मैं पूरे जो है आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा किचन है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है नीचे जो है हमारा एक बेडरूम है, और यहाँ पर जो है हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया गया है, और यहाँ पर जो है हमारा ओपन डक्ट रहेगा वेंटिलेशन के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे डायमेंशन जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी स्टेयरकेस रहेगी ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुप्लेक्स प्लान है, मतलब स्टेयरकेस जो है अंदर से रहेगी, तो इस टाइप में हमारी काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव स्टेयरकेस रहेगी जो ऊपर की फ्लोर पर चली जाएगी, और इस टाइप में ये जो है पूरा जो है हमारा फर्नीचर अरेंजमेंट होगा। किचन में यहाँ पर इस टाइप में हमारा किचन ओटा रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर फ्रिज वगैरह लगा सकते हैं, और इस साइड में एक डोर रहेगा, इस डोर से हम बाहर भी निकल सकते हैं, इस वाशेरिया को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा वाशेरिया रहेगा और यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं, मतलब बर्तन धोने वाली जो लेडीज रहेगी यहीं पर अपना काम करके चली जा सकती है, उसको घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है और यहाँ पर हमारा सोफा सेट रहेगा। फर्नीचर आपके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेयरकेस के नीचे जो है हमने टीवी यूनिट एडजस्ट किया है, तो ये फर्नीचर ये स्टेयरकेस के नीचे का जो है पूरा जो है एरिया जो है हम टीवी यूनिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है अरेंजमेंट की जा सकती है, तो काफी खूबसूरत और काफी अच्छी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो डोर रहेगा ये हमारे बेडरूम का डोर रहेगा, यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे इस बेडरूम में, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं बेडरूम में जो है यहाँ पर हमारा वार्डरोब रहेगा, और क्योंकि इस साइड में रोड था तो यहाँ पर हमने विंडो बताया है, लेकिन अगर आपके प्लॉट में इस साइड में रोड नहीं है तो यह विंडो की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड से हमको वेंटिलेशन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक विंडो बताया गया है, और यहाँ पर जो है हमने OTS छोड़ा था यहाँ पर, इसकी वजह से हमको इस बेडरूम में वेंटिलेशन मिल सकता है इस विंडो से। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टॉयलेट रहेगा, और इसको वेंटिलेशन जो है यहाँ फ्रंट साइड से ही मिलेगा, क्योंकि तीनों साइड जो है दूसरों के प्लॉट्स रहेंगे, तो हमें जो वेंटिलेशन जो है हमारे डक्ट से ही एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक बाथरूम रहेगा, आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है बाथरूम रहेगा, और यहीं से हमारी स्टेयर की स्टार्ट होती है। अब इसका जो है फर्स्ट फ्लोर जो है किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं और उसके पूरे डायमेंशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर, आप देख सकते हैं ऊपर का फ्लोर जो इस टाइप में खूबसूरत सा रहेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेयरकेस से हमारी एंट्री जो है यहाँ पर इस पैसेज में होती है, नीचे से
आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अगर हम बालकनी में खड़े रहेंगे तो हमको नीचे स्टेयरकेस दिख जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर एंट्री होने के बाद आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में जो है यहाँ पर जो है हमारा एक स्टडी रूम एडजस्ट किया गया है, या तो फिर इसे हम ऑफिस रूम भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका भी हम पूरा जो है डायमेंशन देखने वाले है। यहाँ पर फ्रंट साइड में एक विंडो रहेगा। उसके बाद में वापस आते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमारा सीट आउट एरिया रहेगा, यहाँ पर हम चेयर्स वगैरह डालकर बैठ भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा बेडरूम रहेगा जैसे कि नीचे था, लेकिन इसका साइज जो है काफी बड़ा रहेगा। और इसे इस साइड में एक बालकनी भी रहेगी क्योंकि इस साइड में रोड था, मतलब नीचे जो है बेडरूम का साइज जो है छोटा था, ऊपर जो है इसे बड़ा कर दिया गया है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। और इसमें जो एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है उसकी जो है एंट्री यहाँ से होगी। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा टॉयलेट का सीट रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर पूरा जो है हम बाथरूम यूज कर सकते हैं। और ये जो ओपन डक्ट रहेगा वो एज इट इज रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा, तो यहाँ से हमें बाथरूम को और हमारी जो ये बेडरूम है इस बेडरूम को विंडो मिलेगी, यहाँ पर हम विंडो लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसके पूरे जो है डायमेंशन किस टाइप में दिए थे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारा प्लॉट का साइज जो है कम है, मतलब 19 फीट बाय 33 फीट का है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है वो लगभग 9 फीट बाय 12.5 फीट का मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो वॉश एरिया मिलता है वो हमको अंदर 3 फीट का मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम एंट्री करेंगे हमारी इस हॉल में, हॉल का साइज जो है हमको लगभग 17.5 फीट बाय 10 फीट का मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो किचन है हमारा वो 8 फीट बाय 9 फीट का मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बेडरूम है वो लगभग 10 फीट बाय 9 फीट का मिलता है। और यहाँ पर जो वॉश एरिया बताया गया है वो लगभग 5.5 फीट बाय 3 फीट का मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा पैसेज हमको मिलता है। और टॉयलेट का साइज जो है हमको लगभग 3.5 फीट बाय 4 फीट का मिलता है। और यहाँ पर जो बाथरूम है, बाथरूम का साइज जो है लगभग 4.5 फीट बाय 5 फीट का हमको मिलता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है ग्राउंड फ्लोर के डायमेंशन थे। और ऊपर के फ्लोर के अगर डायमेंशन हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस टाइप में यहाँ पर जो पैसेज हमको मिलता है वो लगभग 5 फीट का मिलता है, मतलब स्टेयरकेस से जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे रूम के सामने जो है 5 फीट का बालकनी हमको मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो पैसेज मिलता है वो 14.7 फीट बाय 6 फीट का मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो बेडरूम है वो 10.5 फीट बाय 13 फीट का मिलता है। और यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो लगभग 4.5 फीट बाय 9 फीट का मिलता है। और उसके अलावा ये फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा जगह भी हमको मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा स्टडी रूम है वो 8.5 फीट बाय 9 फीट का मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो पूरा जो बालकनी हमारा मिलता है वो लगभग 10.5 फीट बाय 12.5 फीट का मिलता है। जो बालकनी मिलता है हमको 3 फीट का मिलता है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं पूरे जो है डायमेंशन हमारे फर्स्ट फ्लोर के रहेंगे। तो इस टाइप में ये जो है पूरा जो है प्लानिंग हमने किया था। तो ये पूरा प्लान जो है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको भी प्लान की या डिजाइन की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का नंबर आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी क्या फीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।